नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आपके साथ मैं हूं फोजिया फिरोज मलिक। कोविड 19 की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में इसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ महाराष्ट्र में इसके चलते करीब 90 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में ही कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने इसे महामारी अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जो अब तक बहुत ही कम लोगों में होता रहा है। लाखों में किसी एक को यह संक्रमण होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना से संक्रमित मरीजों में ये इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन लोगों की आंखों की रोशनी छीनता नजर आ रहा है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। कोरोना के साथ ही इस नई बीमारी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ब्लैक फंगस ने अपना प्रकोप फैलाना शुरू ही किया था कि इसी बीच व्हाइट और येलो फंगस ने भी देश को जकड़ लिया। क्या है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, देखिए हमारी रिपोर्ट में। यह संक्रमण म्यूकर नामक कवक से होता है जो वातावरण में मौजूद रहते हैं। नाक में खुजली और बेचैनी के साथ स्किन पर रेडनेस रहती है। नाक और आँख में होता हुआ संक्रमण दिमाग तक पहुंच जाता है। आँखों में सूजन होती है और काले धब्बे दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाइबिटीज के मरीज या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। शुरुआती लक्षणों की बात करें तो अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं और उसके बाद आपको अचानक सिर दर्द होता है, आंखों के पास या आंखों के पीछे की तरफ दर्द होता है या फिर नाक बंद हो जाती है, नाक से खून आने लगना, काले रंग का पानी आना, चेहरे पर सूजन आना, पलके गिरना, ऐसा कुछ होता है तो ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बीमारी बढ़ने का इंतज़ार न करें। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इनमें से कुछ भी लक्षण हैं तो ब्लैक फंगस को लेकर जांच करवाना शुरू कर दें। नाक बंद होना या नाक से खून या काला सा कुछ निकलना, गाल की हड्डियों में दर्द होना, एक तरफ चेहरे में दर्द, सुन या सूजन होना, नाक की ऊपरी सतह का काला होना, दांत ढीले होना, आंखों में दर्द होना, धुंधला दिखना या दोहरा दिखना, आंखों के आसपास सूजन होना, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होना आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देश में बढ़ते संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद में देखने को मिला। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। येलो फंगस पहले शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेज़ी से कम होने लगता है और ये काफ़ी घातक हो जाता है। इस दौरान मरीज की आँखें धस जाती हैं और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। येलो फंगस के लक्षण हम आपको बताते हैं। नाक बंद होना, शरीर के अंगों का सुन पड़ना, शरीर में दर्द होना, कोविड 19 से ज़्यादा शरीर में कमजोरी होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, शरीर में घावों में मवाद बहना। डॉक्टर्स की माने तो येलो फंगस के पीछे कारण गंदगी है। देश में टास्क फोर्स द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किस तरह ट्रीटमेंट करना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है। डॉक्टर बताते हैं कि समय रहते ही इसका पता चलने पर जहां भी ये फंगस होता है, सर्जरी के जरिए इसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। म्यूकरमाइकोसिस से बचने के उपाय भी हम आपको बताते हैं। नाक में चोट ना लगने दें, नाक में उंगली न करें, शुगर लेवल मेंटेन रखें, मास्क का प्रयोग समय समय पर करते रहें और बाहर जाने से बिल्कुल बचें, वक्त वक्त पर हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। डॉक्टर्स की माने तो येलो फंगस के पीछे कारण गंदगी है, इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि अपने घर के आसपास सफाई रखें। सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखकर इस बैक्टीरिया या फंगस को दूर किया जा सकता है। खराब खाने का बिल्कुल प्रयोग ना करें, अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।